Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I'm here with your new topic, which is financial market institutions and its instruments as well. Okay, so beta sabse pehle, first of all I would like to explain you that what is financial market. Beta, market where entities can trade financial securities, commodities at low transaction cost and at price that reflect supply and demand. Securities include stock, bonds, commodities, include precious metals or agricultural goods, etc. ठीक है, तो financial market हमें समझ में आ गई है. Financial market क्या होती है बेटा? वो market होती है जहाँ पर कि हम trade करते हैं financial securities को, और जो financial securities होती हैं वो हमारे stocks होते हैं, bonds होते हैं, जिन्हें debentures भी कहते हैं हम. ठीक है, ये तमाम securities जो होती हैं इनके साथ हम जब trade करते हैं किसी particular market में, that is called financial market. और इसके इस market में जो transaction cost होती है वो बहुत ज़्यादा low होती है. और क्या नाम है, ये बहुत इजी होता है कि आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन को जो है कंटिन्यू करो. जो भी डिमांड है, सप्लाई है, तमाम चीज़ों की आपके पास अवेयरनेस होती है. यहाँ पर ये पूरी मार्केट होती है जहाँ पर बायर भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, और यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं, सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, उसके साथ डील कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं उसको, एंड इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. वन इज कैपिटल मार्केट एंड द अनदर वन इज मनी मार्केट. ठीक है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी सेपरेटली. और आप यहाँ पर इस डायग्राम पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैपिटल मार्केट के और मतलब दो टाइप्स हैं, विच वन इज, फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, तो मैं इसको वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, कैपिटल मार्केट को भी, मनी मार्केट को भी, एंड ऑल्सो फर्दर टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. ठीक है, तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, एक कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होती है, जो कि हमारे फाइनेंशियल के बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा बिलोंग कर रही है. ठीक है, नाउ हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट, दैट व्हाट इज मनी मार्केट. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट मनी मार्केट जो है वो आप लोगों की फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड होती है, फॉर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज होती है. ठीक है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की नहीं होती है, ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वन ईयर होता है या लेस देन वन ईयर होता है. ठीक है, तो इसकी जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम इस मनी मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो जो भी वॉट एवर सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उनकी मेच्योरिटी लाइफ जो होती है वो वन ईयर होती है या फिर विद इन वन ईयर होती है. ठीक है, एज हियर इज द डेफिनेशन, मनी मार्केट बेसिकली रेफर्स टू अ सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज आर ट्रेडेड. जैसे आपको पता है, मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है और हाई लिक्विडिटी होती है. ठीक है, हाई लिक्विडिटी मतलब कि आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो इजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश होती है. ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट बैक यूर कैश, सो यू कैन सेल इट टू द अनदर वन एंड यू कैन गेट यूर मनी बैक एट दैट टाइम. ठीक है, सो दैट्स वाई हेयर इज द लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी एग्जिस्ट एंड मनी मार्केट हैज़ बिकम अ कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज ऑफ वन ईयर और लेस सच एज ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा. जैसे मैंने आपको बता दिया है बेटा कि यहाँ पर वो तमाम सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डील होती हैं जिनकी लाइफ लेस देन और लेस देन और इक्वल टू वन ईयर होती है, मेच्योरिटी लाइफ जो होती है. ठीक है, और इसमें इन्होंने एग्जांपल्स भी आपको बता दी हैं ट्रेजरी बिल की, जो इसको हम टी बिल भी कहते हैं, और कमर्शियल पेपर्स की. ये जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये भी आपके पास शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी एग्जिस्ट करती है इसमें और टी बिल्स में भी. ठीक है, नाउ हेयर आर सम फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इट टू. द फर्स्ट वन इज मार्केट प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड को डील करती है. इट हैज़ अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू वन ईयर. ठीक है, इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो वन ईयर तक होता है, विद इन वन ईयर. ठीक है, और इक्वल टू वन ईयर. द एसेट्स आर इजिली कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट. ठीक है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एसेट्स जो होते हैं, जो भी सिक्योरिटीज हैं आपकी, वो इजिली कन्वर्टेबल इन टू कैश होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट हैज़ द हाई लिक्विडिटी. ठीक है, और ट्रांजेक्शन टेक प्लेस थ्रू फोन एंड देयर इज नो फॉर्मल प्लेस. मनी मार्केट जो होती है वो एक्चुअली कोई प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती. इट कैन बी
transact through phones, phone calls or internet. सही है, ट्रांजेक्शन मेड विदाउट हेल्प ऑफ ब्रोकर्स. यहाँ की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो पर्सन टू पर्सन भी आप कर सकते हो. देर इज़ नो नीड ऑफ टू इन्वॉल्व ब्रोकर. इट इज़ नॉट अ सिंगली होमोजीनियस मार्केट. ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं होती, देर आर वेरियस मनी मार्केट. ठीक है, ना देर इज द कम्पोजिशन ऑफ मनी मार्केट. ठीक है, यहाँ पर कुछ कम्पोजिशन है मनी मार्केट के. फर्स्ट वन इज कॉल मनी मार्केट, सेकेंड वन इज कमर्शियल बिल मनी मार्केट and which we also call discount market, acceptance market, treasury market. ठीक है, treasury bill market. और इसको मैं जो है separately सबको explain करती हूँ. So the first one is call money market. Call money is a short term finance repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days, used for the interbank transaction. ठीक है बेटा, अच्छा होता क्या है यहाँ पर. call money क्या होती है कि आपके एक बैंक को, कमर्शियल बैंक को, अगर दूसरे कमर्शियल बैंक से लिक्विड चाहिए, कैश चाहिए, और फॉर 1 day to 15 day के अराउंड जो है रेंज है आपके पास, उस इन दिनों के दरमियान आपको चाहिए, तो यू कैन कॉल मनी, यू कैन गेट अ कॉल मनी. आप जो है कॉल मनी को गेट कर सकते हो. एक बैंक जो दूसरे बैंक से जो है कॉल मनी की फैसिलिटी ले सकता है, चाहे वो उसको 1 day के लिए चाहिए हो या 2 days के लिए चाहिए हो. तो ये 15 days तक की रेंज है. आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए आप कॉल मनी गेट कर सकते हो. और जो है ये एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांजेक्शन होती है. ठीक है, द मनी दैट इज लैंड फॉर 1 day इन दिस मार्केट इज नोन एज कॉल मनी, एंड इफ इट एक्सीड्स 1 day इज रेफर टू एज नोटिस मनी. ठीक है, अगर जो है बात की जाए, जो भी कॉल मनी है वो अगर 1 दिन के लिए दिया जा रहा है, अगर पैसा एक बैंक दूसरे बैंक से सिर्फ फॉर अ 1 day जो है लोन ले रहा है मनी का, तो इट इज़ कॉल्ड कॉल मनी. एंड इफ इट एक्सीड्स 1 day, अगर 1 दिन से ज़्यादा हो जाए और 15 दिन के अंदर अंदर हो जाए, सो दैट्स मनी इज कॉल्ड नोटिस मनी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बिल मार्केट. ठीक है, here I paste the picture of commercial bill. Here is written the commercial bill is also known as bill of exchange or trade bills. It is bill drawn by the sellers to the buyers. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी explain किया है कि bill of exchange क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप suppose करेंगे commercial bills like that, an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person to the bearer of the instrument. ठीक है, जैसे मैंने आपको bill of exchange के बारे में बताया था बेटा, कि वो particular person जो होता है वो जो है वो, क्योंकि एक unconditional written order होता है bill of exchange, तो वो एक बंदा, एक person दूसरे person को देता है, और फिर उसमें स्पेसिफाइड होता है सर्टेन सम ऑफ मनी, और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी होता है उसमें, जो कि 1 year से कम होता है. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में, और फिर इसके बाद आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ दैट टाइम पीरियड वी कैन गेट आवर मनी बैक. ठीक है, और उस पर जो भी प्लस जो भी फेस वाली होती है उसकी जो इंटरेस्ट लगा होता है वो भी आप गेट करते हो, वो इंटरटेन करते हो. ठीक है, तो दैट इज द कमर्शियल बिल ऑल्सो, वी कॉल इट कमर्शियल बिल ऑल्सो. Next one is acceptance market. The acceptance market refers to the market where short-term genuine trade bills are accepted by financial intermediaries. जैसे आप bill of exchange की भी बात कर सकते हो, तो commercial bank is also play a role of acceptance market. यहाँ पर क्या होता है, commercial bank जो होता है general public से bill of exchange या trade bills जो है वो लेता है, accept करता है, और फिर उसके बाद उनको उसके against amount pay करता है. ठीक है, ना लास्ट वन इज ट्रेजरी बिल मार्केट, टी बिल्स जिसको भी कहते हैं. ये जो होता है ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होती है. इट रेफर्स टू द मार्केट वेयर ट्रेजरी बिल्स आर बाउट एंड सोल. सही है, ये वो मार्केट होती है ट्रेजरी बिल मार्केट, जहाँ पर जो टी बिल्स होते हैं वो बाय भी होते हैं और सेल भी होते हैं. टी बिल्स जब भी गवर्नमेंट को मनी सप्लाई को इकोनॉमी में जो है अपने कम करना होता है, तो वो क्या करती है, वो परचेज करना शुरू कर देती है टी बिल्स को. ठीक है, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को, सप्लाई ऑफ मनी को जो है गवर्नमेंट के पास रखवा के उसके अगेंस्ट टी बिल्स गेट करें. ठीक है, और जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अभी इकोनॉमी में नीड है सप्लाई ऑफ मनी की, तो वो क्या करती है, सेल करना शुरू कर देती है टी बिल्स को. जब वो सेल आउट करती है तो फिर क्या होता है उससे, सेल आउट करती है तो फिर क्या होता है उससे, कि भाई लोगों के पास क्या होता है कि सॉरी, जब टी बिल्स गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी में जो है आपके
मनी सप्लाई एक्सेस हो गई है तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको अपने पास पंप करने के लिए अमाउंट ऑफ मनी को, सप्लाई ऑफ मनी जो एक्सेस है उसको अपने पास गेट करने के लिए वो क्या करती है, जो टी बिल्स होता है ना उनको जो है वो सेल आउट करना शुरू कर देती है, ठीक है, ताकि जब वो सेल आउट होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ खरीदेंगे टी बिल्स को, ठीक है, और वो अपने जो सर्कुलेट हो रही है एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी उसको गवर्नमेंट को रखवा देंगे, ठीक है। इसी तरह से इन दिस वे अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो जो है कम हो गई है तो वो क्या करती है, फिर वो परचेज करना शुरू कर देती है टी बिल्स को, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब वो परचेज करती है तो लोगों का पैसा उनको वापस कर देती है, इस तरह जो है इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी फिर से जो है एज पर द रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ना मनी मार्केट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। जिस तरह से मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड होती है, जस्ट कैपिटल मार्केट जो होती है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी होती है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो दोनों चीज़ों के लिए होंगी। कैपिटल मार्केट आर वेन्यूज वेयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर चैनल बिटवीन सप्लायर्स हु हैव कैपिटल एंड दोज हु आर नीड इन ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो चैनलाइज होती है, जो सप्लायर जो है जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है उनसे लेके वो उन लोगों को कैपिटल देती है जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। द एंटिटीज दैट हैव कैपिटल इंक्लूड रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाइल दोज हु सी कैपिटल और बिजनेस गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक है। Now, the capital market offers both long-term and overnight funds, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिटल मार्केट दोनों तरह के फंड्स जो हैं वो ऑफर करती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और ओवरनाइट के लिए भी, हालांकि मनी मार्केट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एज बिलो, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट हैं वो ये हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आपको शेयर्स जो है वो आप देखते हो कि बाय एंड सेल हो रहे होते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, तो ये भी फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड भी होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड भी होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ यूरो डॉलर्स एक्सेट्रा, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पर डील होते हैं। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में ये होता है कि आपके पास टू और मोर देन टू इंस्ट्रूमेंट्स को वो एक्यूमुलेट करके मनी मार्केट में जो है वो उसको कहा जाता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें लोग जो है वो टू और मोर देन टू जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मल्टीपल यानी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें आप एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो से ज्यादा जो है इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट एज आई टोल्ड यू बिफोर, कैपिटल मार्केट में जो है प्राइमरी मार्केट हमारे पास एग्जिस्ट करती है और सेकेंडरी मार्केट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वॉट इज द प्राइमरी मार्केट एंड वॉट इज सेकेंडरी मार्केट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू। प्राइमरी मार्केट, primary market, it is the market in which shares, debentures and other securities are sold for the first time for collecting long term capital. This market is concerned with new issues, therefore the primary market is also called new issue market, theek hai। primary market wo market hoti hai jisme first hand aapke paas securities jo hain wo buy or sell hoti hain, jo initial first time ho rahi hoti hai, isliye isko jo hai hum new issue market bhi kehte hain, ठीक है, जहाँ पर आपके पास फर्स्ट टाइम जो है कोई भी शेयर्स और डेबेंचर्स जो है न्यूली जो है वो ट्रेड हो रहा हो, ठीक है, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, ठीक है। नाउ द सेकेंडरी मार्केट इज दैट मार्केट इन विच द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज इज डन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया शेयर्स जो है अगर फर्स्ट टाइम आपने न्यू ऑफर इश्यूज शेयर्स खरीदे हैं दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, बट अगर आप वही शेयर्स खरीदने के बाद वो किसी अनदर पर्सन को बेच रहे हैं और फिर वो आगे मूव कर रहा है तो ये प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है, या आप सेकेंड हैंड जो हैंडेड जो सिक्योरिटीज होते हैं वो बाय एंड सेल कर रहे होते हो, ठीक है। द ट्रांजेक्शन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट आर जनरली डन थ्रू द मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये जो सेकेंडरी मार्केट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये स्टॉक एक्सचेंज इसमें इंटरमीडियरी का काम करता है, मीडियम का काम करता है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है बाइंग एंड सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट की, ठीक है। द चीफ पर्पज ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज टू क्रिएट लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटी, ठीक है।
अच्छा, जो चीफ पर्पस होता है सेकेंडरी मार्केट का वो ये होता है कि लिक्विडिटी को जो है इन्हांस किया जाए, उसको क्रिएट किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए. ठीक है, इफ आई से दैट मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई सिक्योरिटी है विच आई बाउट बट नाउ आई वॉन्ट टू सेल इट एंड वॉन्ट कैश अगेंस्ट इट, सो आई कैन ईजली सेल आउट इट इन द सेकेंडरी मार्केट. सो इट ऑल्सो हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटी. सही है. नाउ हियर आर सम द कैपिटल स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन. बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक डेट पे और एक इक्विटी पे. ठीक है, किसी भी कंपनी को रन अप जब करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीज़ों पे बेस करता है. फर्स्ट वन इज़ डेट एंड द सेकंड वन इज़ इक्विटी. ठीक है, अच्छा अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और उसके अंदर जो है ज़्यादा जो है लेवरेज है. ये किस तरह से पता चलेगा? ये इस तरह से पता चलेगा बेटा कि आप इसमें प्रोपोर्शन देखोगे कि डेट कितना कितना प्रोपोर्शन है और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है. या अगर मैं बात करूँ एक शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेयर होल्डर जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है या कैपिटल स्ट्रक्चर देखता है, तो वो ये देखता है कि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट इतनी है, इसका डेट इतना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किस चीज़ का है. अगर इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा और डेट का कम होगा, तो कैपिटल के लिए शेयर होल्डर्स के लिए वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी. लेकिन अगर आपकी कंपनी में बहुत अच्छा अर्न कर रही है, प्रॉफिट सब कुछ है, लेकिन उसका डेट रेशो जो है वो बहुत हाई है कंपैरेटिवली इक्विटी के, तो फिर वो रिस्की हो जाती है. ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें इक्विटी रेशो ज़्यादा हो और जो है डेट रेशो कम से कम. ठीक है, जितना ज़्यादा कम डेट रेशो होगा और इक्विटी रेशो जितना ज़्यादा होगा, डेट कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसीडर मोर स्टेबल. ठीक है, नाउ हियर इज द डेट मार्केट. डेट मार्केट क्या होती है बेटा? डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेट्स दैट रिक्वायर्ड अ फिक्स्ड पेमेंट्स टू द होल्डर्स यूजुअली विद द इंटरेस्ट. एग्जाम्पल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स बॉन्ड, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट एंड मॉर्गेजेस. अच्छा देखिए बेटा, डेट मार्केट जो होती है होता क्या है, एक कॉरपोरेट की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो कॉरपोरेट सेक्टर में जो है कंपनी के पास जो है दो वेज होते हैं कैपिटल गेट करने के. ठीक है, एक तो ये होता है कि या तो वो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट लेकर आए, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी. ठीक है, और दूसरा ये होता है कि वो या तो लोन गेट करें. जब वो लोन गेट करेगा तो इट इज़ कॉल्ड डेट. सही है. अच्छा, अब वो लोन जो है दो तरीक़ों से, एक तरीके से कर सकता है, जब उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी यानी इक्विटी मार्केट की तरफ डाइवर्ट होना होगा, तो वो तो शेयर्स इशू कर देगा. ठीक है, लेकिन अगर उसको डेट मार्केट की तरफ डाइवर्ट होना है, तो वो क्या करेगा, वो डेबेंचर्स जिसको हम बॉन्ड्स भी कहते हैं वो इशू करता है. ठीक है, अच्छा बॉन्ड्स जो होता है वो लाइबिलिटी हो जाती है उस कंपनी की, कि उसको पे ऑफ करना है उस पर्टिकुलर डेबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट अमाउंट जो होती है, जो पहले ही एग्रीड हो जाती है कि भाई हम आपको जो है आपकी कंपनी हमारी कंपनी आपका आपको डेबेंचर्स जो है वो इशू कर रही है, और इसके अगेंस्ट हम आपको एनुअली या फिर सेमी एनुअली जो है इंटरेस्ट देंगे इतना परसेंट. ठीक है, और फिर आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ दैट डेबेंचर्स आपको आपके अमाउंट भी वापस रिपे कर देंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें ये होता है बेटा कि आप उस कंपनी को जो है उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि उसने जो डेबेंचर होल्डर्स को से प्रॉमिस किया उसको इंटरेस्ट पे करने का, वो उसको इंटरेस्ट पे करेगी, भले उसको प्रॉफिट हो उस कंपनी को या लॉस हो. इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ दैट कंपनी टू पे द इंटरेस्ट टू द डेबेंचर होल्डर्स. ठीक है, जिसको बॉन्ड होल्डर्स भी कहते हैं. ठीक है, नाउ हियर इज द इक्विटी मार्केट. अब इक्विटी मार्केट क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की मार्केट होती है, डेट मार्केट में बॉन्ड्स इशू होते हैं कंपनी की बिहाफ पर, और यहाँ पर इक्विटी मार्केट में शेयर्स जो होते हैं वो इशू होते हैं. सही, अब मैं उसी कंपनी की बात लूँगी कि अगर उसको अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगी, दूसरा वे ये है कि वो अपने शेयर्स को इशू करेगी, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, जितनी क्वांटिटी उसको कैपिटल की रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में वो शेयर्स इशू कर देगी. ठीक है, तो जो ये शेयर्स इशू करते हैं ये उस कंपनी की इक्विटी होती है, और इसके लिए उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती कि उसको उस पर इंटरेस्ट पे करना है. इक्विटी या शेयर्स पे इंटरेस्ट पे नहीं होता, बल्कि जो भी कंपनी पूरे ड्यूरिंग द ईयर उसने जो भी प्रॉफिट अर्न किया होता है, उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को वो क्या करती है, उसका जो है एक पोर्शन जो है वो स्टॉक होल्डर्स को या शेयर्स होल्डर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द शेप ऑफ डिविडेंड. ठीक है, तो
यहाँ पर जो है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देती है और उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो फिर वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सही है, तो होपफुली टिल हियर इट इज क्लियर ऑल द थिंग्स टू यू। नाउ हियर आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। The first one is depository institution, the second one is commercial bank, third one is saving and loan association, fourth one is mutual savings bank and the fifth one is credit union. ठीक है बेटा, तो ये तमाम जो है हमारे पास financial institutions हैं हमारे, और जो है ये हमें जो है finance provide करते हैं किसी भी company को जब अगर loan भी चाहिए होता है तो वो ये loan भी provide करते हैं। तो ये तमाम हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को और कंपनीज को फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नाउ देयर आर सम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कुछ हैं हमारे पास। म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के म्यूचुअल फंड में आप जो हो अपने जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट द अमाउंट, तो उसको अगर आप चाहते हो कि आप जो हो अपनी पूरी अमाउंट को जो है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ना लगाओ बल्कि उसको जो है वो डाइवर्सिफाई कर दो, तो आपको क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स आप परचेज करो। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मल्टीपल जो है वो सिक्योरिटीज में लगा दी जाती है ताकि आपको अगर एक किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी से लॉस भी होता है तो अनदर वन विल गिव यू द गेन। ठीक है, तो इन दिस वे इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट और यू विल एंजॉय द प्रॉफिट और द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो ये यहाँ पर इस तरह से आपको हेल्प आउट कर रही होती है कि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि एक पर्सन है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और उन्होंने बोला कि मुझे अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा बेटा कि वो कंपनी उस इंसान का लाइफ इंश्योरेंस करेगी लेट सपोज फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल के लिए वो करती है। अब क्या होगा बेटा कि वो उस 10 साल तक अपनी उस इंश्योरेंस कंपनी को पे ऑफ करता रहेगा लाइफ इंश्योरेंस के जो भी एग्रीड अमाउंट है। ठीक है, अब वो 10 साल अल्लाह ना करे उसको 10 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स 10 साल के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो है उसका बेनिफिट मिलता है उस इंश्योरेंस का। ठीक है, और वो पर्टिकुलर अमाउंट भी मिलती है। ठीक है, इसी तरह से अगर 10 ईयर्स अटेन कर लेता है वो बंदा और वो उसकी डेथ नहीं होती है तो फिर वो जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट होती है उस पर प्लस जो इंटरेस्ट होता है वो एक्यूमुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर पर्सन को देती है। ठीक है, इसी तरह से फायर इंश्योरेंस बेटा होता है कि फायर इंश्योरेंस आपने अपनी लेट सपोज किसी इंडस्ट्री का करवा लिया है और अब आपको एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि फायर जो है वो लग जाए लेकिन हो सकता है कि ना भी लगे। एक साल का आपने फायर इंश्योरेंस करवाया लेकिन उस साल आपके कंपनी माशाल्लाह से महफूज रही लेकिन यू हैव टू पे द फायर इंश्योरेंस चार्जेस टू दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आपको उसका इंश्योरेंस चार्जेस देने होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ना अगर लग जाती आग तो फिर क्या होता है, तो फिर वो कंपनी बेयर करती तमाम लॉस। ठीक है, इसी तरह से पेंशन फंड्स होते हैं, आपको पता है पेंशन फंड्स क्या होते हैं, लोगों जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनको जो है पेंशन दी जाती है ताकि वो अपनी जो डेली बेसिस की जो भी एक्सपेंसेस है उनको टू द सम हाउ एक्सटेंट ये मीट कर सकें, तो इस वजह से पेंशन फंड्स भी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, Now, here are the financial instruments. ठीक है, यहाँ पर कुछ financial instruments हैं जिनको मैं discuss करूँगी। यहाँ पर certificate of deposit हैं, treasury bills हैं, repurchase agreement हैं, bankers acceptance हैं, federal funds हैं, corporate stock है, corporate bonds हैं, mortgages हैं, government securities, consumer loans, municipal bonds. ठीक है, ये तमाम आपके पास financial instruments हैं जो कि हम आगे further जो है इसको डिस्कस करेंगे। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबसे नंबर वन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है बेटा, आपने नाम सुना होगा टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो या फिक्स डिपॉजिट, इसका नाम सुना होगा, मैंने आपको अभी प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पर क्या है, टाइम डिपॉजिट अगर आप करवाते हो
फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड से 5 ईयर फॉर 10 ईयर, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है उस फिक्स टाइम पीरियड के लिए कि आप जो है आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ दैट टाइम पीरियड जो है आपकी अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी और जो है आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको मंथली, ईयरली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली आपको पे ऑफ किया जाएगा, जो भी उसका ब्रेक इवन होता है उस हिसाब से आपको पे ऑफ किया जाएगा, ठीक है। सो हेयर द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज द टाइम डिपॉजिट कॉमनली ऑफर टू कंज्यूमर बाय बैंक, थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिट यूनियंस, ठीक है। ये तीनों इदारे जो हैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो ऑफर करते हैं, ठीक है। नाउ रीपर्चेज एग्रीमेंट की बात अगर आ जाए तो इट इज द शॉर्ट टर्म लोन, ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, ओवर द नाइट लोन भी हो सकता है और जो कि 7 दिन जिसकी जो है वो एक्सटेंशन है, ये 1 डे से लेके 7 डेज तक के दरमियान रीपर्चेज एग्रीमेंट किया जाता है। इट इज अरेंज बाय द सेलिंग सिक्योरिटीज टू एन इन्वेस्टर्स विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज दैम एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ फिक्स डेट, ठीक है। तो ये रीपर्चेस कर लिया जाता है फिक्स प्राइस के साथ और उसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में इसको मेच्योर किया जाता है जिसपे वो एग्रीड हुए होते हैं उस एग्रीमेंट में होता है, तो ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर बेटा नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ आपसे तो जैसे एक कंपनी को दूसरे कंपनी से या एक बैंक को दूसरे बैंक से जो है बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ अमाउंट चाहिए हो और उसे पता हो कि वो 1 डे में या फिर 2 डे में इस तरह से वो रिकवर करके वापस दे देगा, तो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे बैंक से या दूसरे कंपनी से अप्रोच करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए, सही। तो उसके बिहाफ पे एक प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है जिसमें जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यू भी दी जाती है, रिडीम फेस वैल्यू भी दी जाती है और क्या नाम है, फिर क्या होता है कि वो जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो इशू कर दिया जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर। उसमें ये होता है कि आपको फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज, फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड जो है आपको अमाउंट दी जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है इस वादे के साथ, इस प्रॉमिस के साथ के जो है अभी लेट सपोज आपकी जो आप अगर लेट सपोज 1 लाख रुपीज ले रहे हो उनसे तो 2 डेज बाद, आफ्टर 2 डेज यू हैव टू पे 1,02,000 और 1,05,000, क्योंकि कोई भी आपको कोई अमाउंट जो होती है वो ऐसे ही नहीं देता, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। नाउ देयर इज द अनदर वन फेडरल फंड्स। अगर मैं फेडरल फंड्स की बात करूँ तो इन द US इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक एंड अदर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन एट द फेडरल रिजर्व, ठीक है। अच्छा होता क्या है बेटा फेडरल फंड्स में कि आपके पास जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक का जो एक्सेस कैश होता है ना वो अपने पास रिजर्व के तौर पर रख लेता है। एक तो उनके पास रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट होती है, वो तो एक अपार्ट है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी वो अपने पास रखता है ताकि अगर कमर्शियल बैंक को इन फ्यूचर अगर किसी दूसरे बैंक को जो है लोन देना हो या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें उसको पैसे यूज करने हो तो दे कैन यूटिलाइज इट इन अ वेल मैनर, ठीक है। दे आर लैंड फॉर द फेडरल फंड रेट, ठीक है। नाउ हियर आर द अनदर वन इज म्यूनिसिपल नोट्स, ठीक है बेटा। म्यूनिसिपल नोट्स जो होता है वो कोई भी लोकल गवर्नमेंट जो है वो इश्यू करती है फॉर द कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ताकि जो है वो क्या करें, वो उन पैसों को गेट करके जो है वो इन जगह पर लगा सकें एंड देन दे विल रिपे इट टू यू, ठीक है। इन द US शॉर्ट टर्म नोटिस इश्यूड बाय द म्यूनिसिपलिटीज इन एंटिसिपेशन ऑफ टैक्स रिसीप्ट्स और अदर रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये तमाम नोट्स होते हैं और इसके अलावा जो है टी बिल्स जो है ट्रेजरी बिल्स जिसको हमने बहुत दफ़ा पढ़ा भी है, शॉर्ट टर्म डेट होता है ये, इट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट डेट आर इश्यूड टू मेच्योर इट इन द 3 to 12 months, 3 to 12 months के दरमियान जो है इसको मेच्योरिटी इसकी लाइफ होती है और ये पे ऑफ किया जाता है, ठीक है। इसमें जीरो रिस्क होता है, इसमें कोई रिस्क के चांसेस नहीं होते, ठीक है। अच्छा नाउ अगर मैं मॉर्गेजेस की बात करूँ तो मॉर्गेजेस बेटा आपको पता है कोई भी चीज़ जो आप गिरवी रखते हो अगेंस्ट द लोन, ठीक है। अगर आप कोई लोन ले रहे हो और लोन के लिए आपको कोई सिक्योरिटी रखवानी है तो आप मॉर्गेज करते हो अपनी प्रॉपर्टी को, रियल इस्टेट को, किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ को जिसकी अमाउंट जो है उस लोन की अमाउंट से ज़्यादा हो तो आपको वो मॉर्गेज के तौर पर रखवानी होती है, गिरवी जिसे कहते हैं, ठीक है। Now here are another one, corporate stock.
कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसके बारे में मैंने आपको डेप्थ में जो है बताया है, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट में कॉर्पोरेट स्टॉक कौन से होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी शेयर्स इश्यू करती हैं जनरल पब्लिक को, और उसके थ्रू जो है वो कैपिटल जो है वो इंक्रीज करती हैं, अपने बिजनेस में लगाती हैं फॉर द ग्रोथ. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्टॉक. ठीक है, जो शेयर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्टॉक. अच्छा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात आती है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं? A corporate bond is a type of debt security that is issued by a firm and sold to investors. ठीक है, the company gets the capital in it needs and in return the investor is paid a pre-established number of interest payment at either a fixed or variable interest rate. समझ में आया कुछ? इसमें क्या बता रहे हैं वो? डेट के बारे में बता रहे हैं, डेट मार्केट के बारे में. जो मैंने आपको डेबेंचर्स का बताया है पूरा क्राइटेरिया, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो डेबेंचर्स होते हैं. डेबेंचर्स कंपनी इशू करती है और उसके साथ साथ वो प्रॉमिस करती है कि स्पेसिफाइड और एग्रीड इंटरेस्ट रेट आपको पे करेगी और जो है आफ्टर मेच्योरिटी आपको आपकी अमाउंट भी वापस कर देगी. ठीक है, तो ये लाइबिलिटी होती है किसी भी कंपनी की जो कि वो उसको फुलफिल करनी होती है, भले उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो. ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, the most common type of government securities are those items issued by the US treasury in the form of T bills or T bonds or notes. तो जो government securities होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इन है वो जो security वो है T bills. ठीक है, ट्रेजरी बिल्स का आपको पता है कि उसके अंदर 0% रिस्क होता है आपका, उसमें आपको इतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट भी नहीं मिलता. लेट सपोज कि एक टी बिल जो है वो 1000 रुपीज़ का है, तो आपको गवर्नमेंट अगर इशू करती है वो 98 रुपीज़ का, फिर वो आपसे प्रॉमिस करती है कि वो आपसे जो है वो सॉरी 98 रुपीज़ का नहीं 980 रुपीज़ का, तो वो आपसे प्रॉमिस करती है कि आपको वो जो है आपसे रीपर्चेज करेगी पूरे 1000 रुपीज़ का. तो इस तरह से 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाता है फॉर ईच टी बिल. ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट आपको नहीं होता, इसमें प्रॉफिट रेट ज़्यादा नहीं होता, बट इसमें रिस्क भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सा कोट है कि बहुत फेमस है कि हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट. ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रिस्क ही ज़्यादा नहीं होता, सो दैट्स वाई इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, तो बेटा आप लोगों को होपफुली कि यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर. और अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे. इसके अलावा अगर इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. और अब तक के लिए मुझे इतना ही इजाज़त दीजिए प्लीज़. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच.